हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन और कन्फेशन और क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। एडमिशन एंड कन्फेशन। एडमिशन, एडमिशन मीन्स एडमिटिंग ऑफ एनी फैक्ट एज ट्रू। एडमिशन का मतलब है कि किसी भी फैक्ट को एडमिट कर लेना कि वो सच है। इट इज द वॉलंटरी स्टेटमेंट दैट एक्नोलेजेस द ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट। जो एडमिशन होती है ये वॉलंटरी स्टेटमेंट होती है जो एक्नोलेज करती है किसी भी फैक्ट के सच होने को। एडमिशन सिंपली रेफर्स टू द एक्नोलेजिंग और एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू। किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि वो सच है उसको एडमिशन बोला जाता है। एडमिशन इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ द इंटरोगेशन। एडमिशन जो होता है ये ऑफन इंटरोगेशन का रिजल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यूरिंग द इंटरोगेशन सस्पेक्ट सेज। इंटरोगेशन के दौरान अगर सस्पेक्ट ये कहता है आई डिड नॉट नो वाट आई वॉज डूइंग एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा था और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। द स्टेटमेंट इज द एडमिशन। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन कैन नॉट बी रिट्रैक्टेड और विदड्रॉन। एडमिशन जो है हम उसे रिट्रैक्ट या विदड्रॉ नहीं कर सकते। एडमिशन में जो स्टेटमेंट दी गई है हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। एंड इट कैन बी मेड बाई एनी पर्सन। एडमिशन जो है वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, बाई एजेंट के द्वारा और स्ट्रेंजर के द्वारा। एडमिशन कैन बी मेड बोथ इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो एडमिशन होता है ये दोनों सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किया जाता है। कन्फेशन। कन्फेशन रेफर्स टू अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय विच एन इंडिविजुअल एक्नोलेजेस और एक्सेप्ट्स हिज और हर गिल्ट। कन्फेशन जो होता है ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल है वो एक्नोलेज कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपने गिल्ट को, अपनी गलती को इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम, क्राइम करते वक्त। इट इज मेड बाय द एक्यूज्ड। जो कन्फेशन है ये एक्यूज्ड के द्वारा मेड किया जाता है एंड यूज्ड ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और कन्फेशन जो है ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। कन्फेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कन्फेशन को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब आइए जानते हैं जुडिशियल कन्फेशन के बारे में। व्हेन अ कन्फेशन इज मेड बिफोर द कोर्ट और रिकॉर्डेड बाय द मैजिस्ट्रेट इट इज सेड टू बी जुडिशियल कन्फेशन। जब भी कोई कन्फेशन कोर्ट के आगे किया जाता है या फिर कन्फेशन को मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है तब उसको जुडिशियल कन्फेशन बोला जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। व्हेन अ कन्फेशन इज मेड बिफोर द पुलिस और एनी अदर इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स देन इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जब भी कोई कन्फेशन पुलिस या किसी भी अदर इंडिविजुअल के आगे किया जाता है एक्सक्लूडिंग मतलब के जजेस और मैजिस्ट्रेट्स को छोड़ के तब उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोला जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन जो है वो कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के आगे किया जाता है, वहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर या फिर किसी भी अदर इंडिविजुअल के आगे किया जाता है। अब आइए जानते हैं दोनों के डिफरेंस के बारे में। एडमिशन। एडमिशन रेफर्स टू द एक्नोलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट अंडर डिस्कशन और मटेरियल फैक्ट इन अ लॉ सूट। एडमिशन का मतलब है एक्नोलेज करना किसी भी फैक्ट को जो कि डिस्कशन में है लॉ सूट के दौरान। वही कन्फेशन रेफर्स टू अ फॉर्मल स्टेटमेंट बाय विच द एक्यूज्ड एडमिट्स हिज गिल्ट ऑफ अ क्राइम। वही कन्फेशन जो है वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जिससे एक्यूज्ड अपने क्राइम को मान लेता है। प्रोसीडिंग्स सिविल और क्रिमिनल। जो एडमिशन है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में किया जाता है, वहीं कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किया जाता है। रेलेवेंस इट नीड नॉट बी वॉलेंटरी टू बी रेलेवेंट। एडमिशन अगर वॉलेंटरी ना भी हो तब भी वो रेलेवेंट हो सकता है, वहीं कन्फेशन इट मस्ट बी वॉलेंटरी टू बी रेलेवेंट। कन्फेशन जो है वो वॉलेंटरी होना चाहिए। रिट्रैक्शन और विदड्रॉन नॉट पॉसिबल।
एडमिशन जो है उसमें रिट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बार एडमिशन में एक स्टेटमेंट देने के बाद हम उसे वापस नहीं ले सकते। वहीं कन्फेशन में ये पॉसिबल है, अगर कन्फेशन में कोई स्टेटमेंट दी गई है तो वो विथड्रॉ हो सकती है। मेड बाय एनी पर्सन, जो एडमिशन होता है वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जा सकता है, वहीं कन्फेशन जो होता है वो सिर्फ एक्यूज्ड के द्वारा किया जाता है। यूज, इट कैन बी यूज ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन मेकिंग इट, एडमिशन जो है हम उसको यूज कर सकते हैं उस पर्सन के बिहाफ पे जिसने एडमिशन किया है। वहीं कन्फेशन जो है इट ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, कन्फेशन हमेशा उस पर्सन के अगेंस्ट में होता है जिसने वो किया है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखें, एवरी कन्फेशन इज एन एडमिशन, हर एक कन्फेशन एक एडमिशन है, बट एवरी एडमिशन इज नॉट अ कन्फेशन, लेकिन हर एक एडमिशन कन्फेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।